Hello, good morning everybody. Yes, everybody must be fit and fine and everybody must be doing studies good. अच्छे से सब पढ़ाई कर रहे होंगे और सब subjects में equal importance दे रहे हो, because all subjects are equally important. Okay? ठीक है, तो just ठीक से पढ़ाई करते रहिए. Just कोई questions से, कोई doubts है तो just पूछते रहिए. You will get all your queries solved. So don't worry about that thing and feel free to contact me at any time. Okay, so now we continue our studies with sets. Sets में हमने basically अभी तक set क्या है उसका basic definition देखा, उसके ऊपर से हमने set का representation, set किस तरह से represent किया जाता है वो चीज देखी थी हमने. Okay, roster method and set builder method, उस हिसाब से वो चीज हमने देखी थी. उसके बाद हम सेट्स के टाइप्स, कुछ टाइप्स हम सीखे, दैट इज एन एम्प्टी सेट, नल या वॉइड सेट्स. ओके, उसके ऊपर फाइनाइट इनफाइनाइट सेट वो चीज देखी, इक्वल सेट्स. ओके, और उसके बाद हमने सबसेट और इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट, वो चीज क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, वो सारी चीजें वो हमने देखी है अभी तक. नाउ इसमें लास्ट टू बेसिक डेफिनेशंस ऑफ अ सेट बाकी रहती है, दैट इज अ पावर सेट और यूनिवर्सल सेट. ओके, पावर सेट से हम बिगिनिंग कर रहे हैं. पावर सेट समझने के लिए हम पहले एग्जांपल लेंगे. आई एम जस्ट राइटिंग डाउन अ हेडिंग पावर सेट. ओके, पावर सेट समझने के लिए लेट हम कोई एक सेट लेते हैं. लेट सेट ए इज इक्वल्स टू सेट ए बी सी. ओके, नाउ आई एम जस्ट लिस्टिंग डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए. यहां पे सबसेट्स ऑफ सेट ए, यस सबसेट ऑफ सेट ए, दैट मीन्स हमको पता है कि एवरी मीन्स फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट दैट वी एग्रीड अपन. ओके, सो यहां पे इसका एक सेट सबसेट होगा फाइव. वी ऑल्सो नो दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ. ओके, दैट मीन्स ए वो ए का सबसेट होगा. सो वी कैन राइट हियर, दैट मीन्स ए यानी कि ए बी सी लिखोगे या तो इसकी जगह पे कैपिटल ए लिखोगे. दीज आर टू इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए. इसके अलावा यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख सकते ए, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए. इस तरह का जब भी हम एस्टेब्लिश करेंगे देन दैट पर्टिकुलर सेट विल बी द सबसेट ऑफ गिवन सेट. सो ए इज अ सबसेट होगा, इसी तरह से बी भी इसका सबसेट होगा, उसी तरह से सेट ऑफ सी वो भी इसका सबसेट होगा. ओके, वी कैन राइट लाइक दिस ए बी ए सी, इस तरह से होगा और बी सी. ओके, ये टोटल कितने हुए आठ. ओके, नाउ ये ए के ऑल पॉसिबल सबसेट से. ओके, या सेट ऑफ मीन्स ए बी का सेट, यस एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए वो होता है, तो इट्स अ सबसेट ऑफ ए. यस, मे बी एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो यस ये भी इसका सबसेट है. ओके, यानी सबसेट भी सेट ही होंगे एक ही टाइप के. ओके, यहाँ पे ये चीज भी ध्यान रखना है. यहाँ पे मैं आपको एलिमेंट और सबसेट का वो इसके बराबर एग्जाम्पल मीन्स एक क्लैरिफिकेशन में दूंगा कि किस तरह से बिलोंग्स टू लिखा जाएगा और किस तरह से सबसेट लिखा जाएगा. ओके, सो यहाँ पे दिस ऑल आर द सबसेट्स ऑफ सेट. सेट इस तरह का है, एबीसी तीन एलिमेंट्स है, तो ये सारे उसके सबसेट्स होंगे. तो यहाँ पे पावर सेट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए. तो यहाँ पे डेफिनेशन इस तरह से लिखेंगे, यस द कलेक्शन of all the subsets of the given set A is called the power set of set A and it is denoted by P of A. Okay, so here the thing is that for yes, for A, जो हमने लिखा है ABC,
यस, उसका पावर सेट क्या होगा, तो उसके जो ऑल पॉसिबल सबसेट्स है उसका कलेक्शन, दैट मीन्स ऑल पॉसिबल सबसेट्स यहाँ पे लिखे फाइ ए सेट ए बी सी सेट ए बी सी यहाँ पे ए बी ए सी और बी सी के 1 2 3 4 5 6 7 8 यस। तो इस तरह के किसी भी सेट के जो भी पॉसिबल सब सेट से वो सारे सबसेट का कलेक्शन इट विल बी कॉल्ड द पावर सेट ऑफ अ गिवन सेट। दैट मीन्स यहाँ पे एक चीज देखेंगे पावर सेट के एलिमेंट्स, तो पावर सेट के एलिमेंट्स सब क्या है, सेट इटसेल्फ। तो यहाँ पे एक्सटेंशन हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं यस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट आर सेट। दैट मीन्स पावर सेट में जो एलिमेंट होंगे वो एक कोई सेट ही होगा, ओके, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं होगा, ओके। और इसके अलावा हम किसी एक सेट के में कोई पर्टिकुलर नंबर्स होंगे तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे उसका भी हम एक कोरिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे हियर यस ए में एलिमेंट कितने हैं, 3 यस। हियर ए में एलिमेंट दैट मीन्स उसके लिए सिंबल है एन ऑफ ए, दैट मीन्स सेट ए में जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट है कितने हैं, 3। एन ऑफ ए 3 है तो एन ऑफ पावर सेट ऑफ दैट मीन्स ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स है, तो ए के पावर सेट में 1 2 3 4 ये कॉमा से हम सेपरेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 दैट इज 8। इट इज नथिंग बट 2 रेज टू 3 दैट मीन्स सेट ए में 3 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में 2 रेज टू 3 है। इस तरह इसके ऊपर हम जनरल रिलेशन भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और यहाँ पे ये नोटेशन ध्यान रखना है, यहाँ पे जब एन ऑफ ए लिख रहे हैं तो देयर इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, एंड एन ऑफ पी ऑफ ए लिख रहे हैं तब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ सेट ए, ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स है वो, ये दोनों डिफरेंट तरीके है। यहाँ पे जो सेट होगा उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट है और यहाँ पे सेट में कितने एलिमेंट है, तो यहाँ पे एन ऑफ ए 3 है तो एन ऑफ पी ऑफ ए 2 रेज टू 3 है। तो इसके ऊपर से अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन होंगे तो उस सेट का जो पावर सेट होगा उस पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे 2 रेज टू n। और इसके ऊपर से ये भी हम कह सकते हैं किसी भी सेट के नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स आर इक्वल्स टू 2 रेज टू n। यहाँ पे यस इन जनरल if any set has a number of elements equal to n, then the number of elements in the power set of that set is 2 raised to n। यहां से ये भी हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एनी सेट आर इज इक्वल्स टू 2 raised to n। यस वी कैन ऑल्सो से दैट, वी कैन ऑल्सो से दैट इफ एनी सेट ए contains n distinct elements, then possible number of subset of set A is 2 raised to n. Okay, this power set is a कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सेट्स ऑफ अ गिवन सेट, और ऑल पॉसिबल गिवन सेट्स का नंबर 2 रेज टू n है, तो पावर सेट में भी अगर गिवन सेट के
एलिमेंट्स एन है तो उस सेट के पावर सेट में एलिमेंट्स टू रेस टू एन होंगे, ये चीज हम एस्टेब्लिश कर पाएंगे. ओके ना, यहाँ पे और एक चीज मेरे को आपको जो दिखानी है वो यहाँ पे ये चीज है. इलस्ट्रेशन लाइक लेट ए इज इक्वल्स टू ए बी सी, देन वी कैन राइट ए बिलोंग्स टू ए. अगर सिर्फ ए ले रहे, ए वो सेट ए का एलिमेंट है तो ए बिलोंग्स टू ए. ओके, बट सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए. यस, ये फर्क है. ये चीज यहां पे इन द सेट नोटेशन में ए वो बिलोंग्स टू ए नहीं लिख सकते हम, लेकिन ए बिलोंग्स टू ए वो चीज लिख सकते हैं. और इसके ऊपर से हमको एक एग्जाम्पल भी देखना है और एक्सरसाइज में कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स भी दिए वहां पे, करेक्ट है कि रॉन्ग है वो हमको दिखाना है. वो एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि क्योंकि कई बार ये मिस्टेक होती है. ओके, सो दीज आर द थिंग्स. ये ए इज अ सबसेट, ए को सेट के फॉर्मूले, बिकॉज सबसेट किसी भी सेट का सबसेट वो भी एक सेट ही है. यहाँ पे ये ए लिख रहा हूं तो ये सेट नहीं है. सेट कब होगा? जब मैं ब्रेसेस उसके आसपास बनाऊंगा तभी. तो यहाँ पे सेट ए होगा तो ए बिलोंग्स टू ए लिख पाएंगे, लेकिन सेट में ए इज अ सबसेट ऑफ ए, इट इज बिलोंग्स टू ए, ऐसा नहीं लिखा जाएगा. इसमें बहुत हमको क्लियर रहना है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए. हाँ, यहाँ पे इस तरह का होगा ना. यस, ये एक लिया ना. सेकंड में इस तरह से ले रहा हूं, लेट ए इज इक्वल्स टू सेट ए बी सी. और हमने देखा यहाँ पे ये सेट का एलिमेंट सेट हो सकता है, जैसे पावर सेट के सब एलिमेंट्स सेट है. तो यहाँ पे ए में ये एक सेट है और बाकी दो डिफरेंट एलिमेंट्स है. दैट मीन्स यहाँ पे सेट ए वो उसका एलिमेंट होगा. जस्ट हियर सेट ए बिलोंग्स टू ए बट यस इज अ सबसेट ऑफ ए. इस मेरे को ये चीज आपको बहुत क्लियर करवानी थी. ओके, यहां पे ये जो सेट है इसमें ये सर ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ए बी और सी, ये एलिमेंट्स है. तो यहां पे सेट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए कहा जाएगा और उसके ऊपर अगर वार करेंगे इस तरह से जैसे यहां पे हमने लिखे थे ये चीज. यस, जो एलिमेंट है उसको हम जैसे सिंगल सिंगल एलिमेंट सिंगलटन बनाते हैं, यहाँ पे वो सेट बनते गए. तो यहाँ पे इस तरह से सेट ऑफ ए ये एलिमेंट है तो उसके आजू बाजू ब्रेसेस बना के इसको हमें सबसेट बनाना पड़ेगा. ये नहीं होगा तो ये बिलोंग्स टू ए होगा और ये सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए. सो ये मैंने दो एग्जाम्पल लिखे. फर्स्ट एग्जाम्पल में एलिमेंट्स क्या है तो कि ए बी एंड सी. तो ये एलिमेंट्स यानी बिलोंग्स टू, दैट मीन्स यहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए और सी बिलोंग्स टू ए, ऐसा लिखा जाएगा. लेकिन ए एलिमेंट लेके उसके आजू बाजू में सेट बनाता हूं, दैट मीन्स बेसिस करके. तो ये सेट बन गया तो ये सेट इज अ सबसेट, ये सबसेट ऑफ ए होगा बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. दैट्स वाई इज अ सेट बेसिस में ए इज अ सबसेट ऑफ ए. मैंने दूसरा एग्जाम्पल जिसमें लिखा है उसमें मैंने थोड़ा टाइप चेंज किया है. यहाँ पे एबीसी नहीं लिखा लेकिन ए को मैंने सेट के फॉर्म में लिखा, बाकी दो बी ओ सी सिंपल फॉर्म में मैंने लिखे. तो यहां पे क्या होगा? यस, नाउ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर व्हाट? तो दैट इज ए का कंटेन करता हुआ सेट बी ओ सी. तो यहाँ पे ये तीन है वो एलिमेंट्स है तो वो बिलोंग्स टू होंगे. लेकिन सबसेट के लिए ये सिंगल टर्म के ऐसे ये इसके सबसेट बनेंगे, ए वाला ये एलिमेंट वाला दैट मीन्स ये सबसेट बनेगा और बी और इस तरह से ये होगा सी होगा वो भी चीज होगी. तो यहाँ पे वो सबसेट ऑफ ए होगा. यस, ये सिंपल एग्जांपल है लेकिन वेरी मच इम्पोर्टेंट. बिलोंग्स टू होगा कि सबसेट होगा, ये स्टेटमेंट आपको पूछेंगे ट्रू एंड फॉल्स है तब हमको कंफ्यूज नहीं होना है. इस तरह से ये बिलोंग्स टू और सबसेट का हम काम करते हैं. ओके, सो दीज आर द थिंग्स. ये पावर सेट का था. इसके बाद लास्ट है यूनिवर्सल सेट, वो हम मैं आपको समझा देता हूँ. उसके बाद ये जो सारी चीजें पढ़ी है हमने सबसेट के ऊपर से, उसके ऊपर से कुछ एक एग्जाम्पल हम देखेंगे. यस, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे भी यूनिवर्सल सेट समझने से पहले
हम एक एग्जांपल लेंगे और उसके ऊपर से यूनिवर्सल सेट के हम डेफिनेशन लिखेंगे. यहां पे लेट ए इज इक्वल्स टू एक्स वेयर एक्स इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर. ओके यस. बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन odd positive integer. Again, I'm just third adding. C. X is such that X is a prime positive integer. Okay. यहाँ पे मैं ये सारी चीज लिस्ट आउट करता हूँ. That means यहाँ पे a is equals to x is an even positive integer. That means ये होगा 2, 4, 6, 8. Yes, b is an odd positive integer. That means ये होगा 1, 3, 5, 7. C, I have written set of all x such that x is a prime positive integer. That's prime. That means ये उसमें 2, 3, 5, 7, 11, like this numbers. तो यहाँ पे एक चीज हम ऑब्जर्व करेंगे. यहाँ पे तीन सेट है ए बी सी, लेकिन ए बी सी के एलिमेंट्स डिफरेंट है. लेकिन ये सारे एलिमेंट्स किस सेट में से सिलेक्ट किए जाते हैं? तो ये तीनों सेट के एलिमेंट्स वो नेचुरल नंबर के सेट में से सिलेक्ट किए जाते हैं. यस, पॉजिटिव इंटीजर पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से इवन पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर एंड प्राइम नंबर्स पॉजिटिव. ओके, तो ये सारे तीनों सेट के सेट ए बी सी तीनों सेट के एलिमेंट्स हम नेचुरल नंबर के सेट से सिलेक्ट किए जाते हैं. तो यहाँ पे ही हमारे यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन है. ये जो डिफरेंट सेट है उसके जो एलिमेंट्स है वो एक पर्टिकुलर सेट में से सिलेक्ट किए जाते हैं. तो यहाँ पे ए बी सी तीनों सेट के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर विल वर्क एज अ यूनिवर्सल सेट. तो एक इन गिवन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, दैट मींस कोई पर्टिकुलर सिचुएशन दी होगी एग्जांपल में या सेट की, उस सेट में जो डिफरेंट सेट्स हम यूज करते हैं वो सारे डिफरेंट सेट्स के एलिमेंट्स किसी एक पर्टिकुलर बेसिक सेट में से सिलेक्ट किए जाते हैं. तो उन सारे सेट के लिए जिस बेसिक सेट में से ये सारे एलिमेंट्स हमने सिलेक्ट किए हैं उस बेसिक सेट को उन सारे सेटों का यूनिवर्सल सेट कहा जाता है. यहाँ पे सिर्फ सेट ए कंसिडर करोगे तो इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट आप यू एन के सेट, तो ए और बी दोनों कंसिडर करते हो तो दोनों भी कंबाइन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट एन होगा. तीनों का यूज साथ में हो रहा है तो किसी सिचुएशन में, तो तीनों के लिए जो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा नेचुरल नंबर सेट का काम करेगा. ओके, नेचुरल नंबर सेट इसके लिए यूनिवर्सल सेट एज अ यूनिवर्सल सेट इट विल वर्क. ओके, तो इसके ऊपर से हम यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन लिखते हैं. फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट द एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम वन बेसिक सेट, देन दिस बेसिक सेट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल गिवन सेट्स. And it is generally denoted by capital U. Yes, ये universal set के लिए ये symbol generally reserve किया जाता है. For any given sets, यहाँ पे जो set basic set जिसमें से जो different sets पे हम work कर रहे हैं, या जब different sets के ऊपर जो different operations कर रहे हैं sets के, तो वो सेट्स डिफरेंट सेट्स के एलिमेंट्स किसी एक पर्टिकुलर बेसिक सेट में से आते हैं, तो वो बेसिक सेट उन सारे सेट के लिए
इज अ यूनिवर्सल सेट का जाकर जो दिस जो भी जो डिफरेंट सेट्स है वो कोई एक सेट के एलिमेंट्स है वो इस तरह से ही यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन कही जाती है. ओके सो दिस आर द थिंग्स यूनिवर्सल सेट इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया इन तीनों के लिए तो क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर वी वर्क एज अ यूनिवर्सल सेट दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ यूनिवर्सल सेट. ओके सो यू राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स और अब हम थोड़े जो सबसेट्स के कंसेप्ट पढ़े हैं उसके ऊपर से थोड़े बहुत एग्जांपल हम देख रहे हैं. ठीक है ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है ए बी एंड सी कैपिटल ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स इफ ए बिलोंग्स टू बी. यहाँ पे कैपिटल ए बी सी सेट है तो ए सेट ए बिलोंग्स टू बी इट्स नॉट अ सबसेट ऑफ बी. ये चीज बहुत समझनी है सेट ए वो सेट बी का एलिमेंट है बिकॉज बिलोंग्स टू बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी. तो यहाँ पे बी वो सी का सबसेट है दैट मीन्स सी के जो एलिमेंट्स है उसमें से कोई एक जो सेट बनता है वो बी है इस तरह से हम कह सकते हैं. इज इट ट्रू दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल. ओके नाउ गिव एन एग्जाम्पल इस तरीके से बताया तो हम ये सिचुएशन एग्जाम्पल में कन्वर्ट करते हैं. यहाँ पे ए बी सी बी थ्री सेट्स और यहाँ पे ए बिलोंग्स टू बी दैट मीन्स सेट ई A is an element of set B. इस तरह से तो यहां पे let set A is equals to A में ले रहा हूं. अब जो ये सिचुएशन है उस हिसाब से मैं लिख रहा हूं B set A is an element of B. That means A belongs to B है that means set A वो B का एक element है. Let yes A इसका element है that means ये तो आएगा ही बिकॉज कैपिटल ए बिलोंग्स टू बी इस तरह से बाकी के दो एलिमेंट्स लेट अस से बी और सी समझते हैं. ठीक है थर्ड हमको सिचुएशन दी है बी इज अ सबसेट ऑफ सी दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सी. तो यहां पे लेट सी इज इक्वल्स टू बी इज अ सबसेट ऑफ सी दैट मीन्स बी के सारे एलिमेंट सी में होने चाहिए और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं यहां एक्सैक्टली उसके जितने भी हो सकते हैं. तो यहां पे Yes, ये तो आने ही चाहिए लेट अस से और एक एलिमेंट डी. तो ये जो सिचुएशन जो हमारे पास दो है ए को मैंने सेट ए एज्यूम किया और कैपिटल ए बी सी तीनों सेट है ए इज ए बिलोंग्स टू बी दैट मीन्स सेट ए वो बी का एलिमेंट है उस तरह से मैंने इनकॉर्पोरेट किया. बी इज अ सबसेट ऑफ सी तो इस तरह से सी मैंने डिफाइन किया. नाउ ए इज अ सबसेट ऑफ सी कैन वी से दैट यहां पे यस ये जो सेट ए है Is it belongs to C के सबसेट ऑफ C? Here, set of A is an element of C. So here, set of A belongs to C. That is, set of A, there is nothing but A. That means A belongs to C. But not A is a subset of C. Here, अगर हम ये चीज लिखेंगे ना ये सेट के फॉर्म में सेट ऑफ सेट इज अ सबसेट ऑफ सी दैट मीन्स ये एलिमेंट ए है तो यू कैन राइट इज अ सबसेट ऑफ सी. यस ये बिलोंग्स टू अवर सबसेट का समझना है. सबसेट इज ऑलवेज अ सेट किसी भी सेट का सबसेट वो एक सेट ही होगा. लेकिन यहाँ पे जो ये चीज लिख रहे हैं इस तरह से ये सेट है लेकिन वो सी के एलिमेंट के या बी के एलिमेंट के तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे. इसके लिए ये चीज सेट ए है लेकिन यहाँ पे ये इसका एलिमेंट है और यहाँ पे भी ये इसका एलिमेंट है और यहाँ पे इट्स अ सेट है. ओके तो यहाँ पे इसके ऊपर से यस ये जो है सेट ए बी सी डी यहाँ पे सेट ए बी सी डी वो सी के एलिमेंट्स है दैट मीन्स हम सेट ए बिलोंग्स टू सी लिख सकते हैं. अगर सबसेट ऑफ सी लिखना है तो इसका मेरे को सेट बनाना पड़ेगा. सो इस तरह से करेंगे तो वो सबसेट ऑफ सी दैट मीन्स और ये चीज ए है तो यस इस तरह से होता तो ट्रू है लेकिन ये ट्रू नहीं है. ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी यस बट सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए. ओके सेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ सी इस तरह से हम लिख सकते हैं. ओके सो ये चीज हमको ध्यान रखना है और बुक में इस तरह का एक एग्जाम्पल भी है वो मैं आपको
जो आपके एक्सरसाइज का है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल लिखा है, लेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, सेट में 3, 4 और 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। ठीक है, कौन से इनकरेक्ट है कौन से करेक्ट है वो हमको देखना, इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है वो हमको एक्सप्लेनेशन देना है। ओके, यहाँ पे जो अभी मैंने जस्ट सिंपल एग्जांपल यहाँ पे जो चीज लिया था उसी तरह का यहाँ पे है। यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट्स डिफरेंट है और कुछ नहीं है। यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट्स क्या होंगे, 1, 2, सेट में 3, 4 और 5, दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे देखेंगे 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे सेट ऑफ 3, 4 इट विल वर्क एज एन एलिमेंट ऑफ ए नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ये सेट ऑफ 3, 4 जिस तरह का सेट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है या सेट ए एक्सप्रेस किया गया है उसमें सेट ऑफ 3, 4 ये इसका एक एलिमेंट है। सो वी कैन एलिमेंट होगा तो हम बिलोंग्स टू लिख सकते हैं, सबसेट नहीं। हाँ, उस एलिमेंट्स का अगर सेट बनाएंगे तो वो सबसेट हो सकता है। यस, यहाँ पे हियर हमको लिखना है करेक्ट इनकरेक्ट बिकॉज 3, 4 बिलोंग्स टू ए नॉट 3, 4 इज अ सेट ऑफ ए। क्योंकि सेट 3, 4 ये इसका एक एलिमेंट है तो एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू आएगा, सबसेट नहीं आएगा। जस्ट नेक्स्ट यहाँ पे दिया है सेट ऑफ 3, 4 बिलोंग्स टू ए। यस, यहाँ पे जो ये सेट के नोटेशन में 3, 4 है उसके एक एलिमेंट के तौर पे काम कर रहा है तो वो बिलोंग्स टू होगा, तो ये 2 है, इट्स करेक्ट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे यस 3, 4 वो ए का एलिमेंट है लेकिन उसका हमने सेट बनाया है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे अगर देखेंगे तो ए इज इक्वल्स टू ए बी सी, तो इसके सबसेट होंगे ये ए बी सी। दैट मीन्स यहाँ पे इसके जो एलिमेंट्स लेके उसके आजू बाजू मैंने बेसिस बनाया, तो इस तरह से यहाँ पे ये सेट ऑफ 3, 4 ये ए के एलिमेंट है उसके आजू बाजू में बेसिस बनाया, दैट मीन्स इस एक एलिमेंट का हमने सेट बनाया, दैट इज ये सब सेट हुआ। सो इट इज 2, यहाँ पे इट इज करेक्ट because it is a set subset of A. Okay, yes, 3, 4 belongs to A. Yes, यहाँ पे ये difference देखेंगे तो ये 3, 4 as a element काम कर रहा है और यहाँ पे ये चीज का बाजू braces बना के इसका set बनाया तो ये subset बन गया और ये A का element है। Yes, 1 belongs to A. Yeah, ये तो simple चीज है। Yes, 1 is an element of A. Yes, it's correct. Yes, 1 is a subset of A. Always, किसी भी सेट का सबसेट वो भी सेट होना चाहिए। यहाँ पे 1 एलिमेंट है, सेट नहीं है, तो यहाँ पे इट इज इनकरेक्ट बिकॉज 1 बिलोंग्स टू A, नॉट 1 इज a सबसेट ऑफ A. Yes, यहाँ पे इसको 1 को मैंने ब्रेसेस में लिखा रहा होता ना तो वो ट्रू होता था। ओके, आगे ये चीज है कि नहीं है, लेकिन अगर 1 को मैंने ब्रेसेस में लिखा रहा होता ना इस तरह से ये साइड में लिख रहा हूं ये, तो ये इट विल बी द सबसेट ऑफ A, लेकिन सिर्फ इसका एलिमेंट है तो वो बिलोंग्स टू होना चाहिए। यस, नेक्स्ट हमको सेट ऑफ 1, 2, 5 इज द सबसेट ऑफ A. यस, ए के एलिमेंट कौन कौन से, 1, 2, 5 ये डिस्टिंक्ट, इन तीनों का एक सेट बनाया है तो ये इट इज करेक्ट। हियर एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज एन आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सो इट इज अ सबसेट ऑफ ए, बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ सबसेट। यहाँ पे यस 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। यस, बिलोंग्स टू यानी एलिमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू ए होगा, 2 बिलोंग्स टू 5 होगा, 2 बिलोंग्स टू A होगा और 5 बिलोंग्स टू A होगा, लेकिन इन तीनों को मिला के जो सेट बनेगा तो वो
उन एलिमेंट्स का एक सेट बनाया है, सेट यहाँ पे 1 to 5 इस तरह का कोई एलिमेंट नहीं है। जैसे एलिमेंट्स किस तरह के हैं, तो 1 है 2 है 5, तो ये एलिमेंट है, तो ये 1 belongs to A लिख सकते हैं, 2 belongs to A लिख सकते हैं, 5, लेकिन इन तीनों को मिला के जो सेट बना ये एक्चुअली सबसेट है, नॉट एन एलिमेंट। इन तीनों को मिला के जो सेट बनाया गया है इट इज अ सेट, वो सबसेट बनेगा। यहाँ पे जो चीजें है बिलोंग्स टू नहीं बनेगा, उसके एलिमेंट नहीं है। ओके, सो हियर इट इज नॉट करेक्ट बिकॉज 1 to 5 इज अ सबसेट ऑफ A, वो बिलोंग्स टू A नहीं है, बिकॉज ये सेट है, ये तीन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके सेट बनाया है। या सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ A, यहाँ पे 1 2 है लेकिन 3 सेपरेटली नहीं दिया गया है, 3 इसके साथ जुड़ा हुआ है अलग से, यहाँ पे 1 2 5 अलग था तो यहाँ पे 1 2 5 वो सबसेट बन गया। तो इस तरह से अगर अलग से 3 लिखा गया होता तो 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ A विल बी करेक्ट, लेकिन ये करेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे इट इज इनकरेक्ट बिकॉज 3 डज नॉट बिलोंग्स टू A। यहाँ पे समझना है 3 अलग से नहीं है, 3 इसके साथ इस सेट के पैर में ही आ रहा है, अलग से नहीं है। तो यहाँ पे 3 डज नॉट बिलोंग्स टू A होगा। यस, सेट ऑफ 3 4 बिलोंग्स टू A कहा जाएगा, लेकिन 3 डज नॉट बिलोंग्स टू A। इस तरह से अलग से अगर ये होते ना 3, देन इट विल बी बिलोंग्स टू, हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। नेक्स्ट, 5 बिलोंग्स टू A, 5 इज अ सेट। ओके, 5 उसका सबसेट है, मीन्स एम्प्टी सेट इज एन सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो उसी सबसेट 5 उसका सबसेट बनना चाहिए, बिलोंग्स टू नहीं, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज 5 इज अ सबसेट ऑफ A। यस, नेक्स्ट वाला वही है, इट इज करेक्ट। ओके, इसी तरह से यस, सेट ऑफ 5 इज अ सबसेट ऑफ A, यहाँ पे इस सेट में अंदर के एलिमेंट्स या A, ये सेट A का सबसेट कब बनेगा, जब इस सेट के अंदर के एलिमेंट्स A के एलिमेंट होने चाहिए। नाउ 5, A का एलिमेंट 5 है नहीं है, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज 5 डज नॉट बिलोंग्स टू A। जिस तरह से यहां पे मैंने लिखा था 3 डज नॉट बिलोंग्स टू A, तो यस, वो एलिमेंट वाले कोई सबसेट बन सकते नहीं है। तो सिमिलरली यहाँ पे 5 का सेट बन, बिकॉज 5 इटसेल्फ इज अ सेट, यहाँ पे 5 ये अकेला 5 है और यहाँ पे ब्रेसिस में 5 लिखा है, दैट मीन्स ये A का एलिमेंट होगा तो ही ये सबसेट लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 इज अ सबसेट, ये दोनों में 5 इटसेल्फ इज अ सेट और किसी भी सबसेट, किसी भी सेट का सबसेट वो भी एक तरह का सेट ही होना चाहिए। और ये जो इंडिपेंडेंट जो बाकी जो यहाँ पे लिखे जाते हैं, जो भी चीज है, जो भी मैटर, दैट इज कॉल्ड एन एलिमेंट होगा। ओके, सो यहाँ पे 5 उसके बाद ब्रेसिस बनाए, दैट मीन्स अगर ये 5 इसमें होता, इस तरह से अलग लिखा रहता तो ये ट्रू रहता है, लेकिन यहाँ पे वो है ही नहीं, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू A, तो ये इनकरेक्ट है, सो वो उसका सबसेट होगा नहीं। सो इस तरह से ये चीज हमको समझनी है, यहाँ पे मेन बिलोंग्स टू और सबसेट किस तरह से करना है। बिलोंग्स टू लिखो यानी कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस सेट में है, और सबसेट यानी जो पर्टिकुलर सेट के जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके जो सेट बनाते हैं, वो कुछ एलिमेंट्स या सारे एलिमेंट सिलेक्ट करके जो सेट बनाते हैं वो उस सेट का सबसेट कहा जाता है। और यहाँ पे A इस तरह से लिखा गया है, तो यहाँ पे ये जो सेट ऑफ 3 4 है, ये जो है ये A का एलिमेंट कहा जाएगा, और उसका सेट बनाए तो अगेन उसके ऊपर से मेरे को ब्रेसिस बनाना पड़ेगा तो वो सेट बनेगा। इस तरह से ये चीज हमको बहुत ही मीन्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, छोटी है लेकिन गलती होने के चांसेस है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना है। ओके, दूसरे एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 के। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 के कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, मीन्स विच आर वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम
क्विकली कर पाएंगे, जो चीजें पढ़े हैं उसको ही हमको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, या ये चीज हमने की है, मैंने जिस तरह से दिखाई उस तरह से है, इसके सबसेट्स लिखने हैं, यानी सबसेट ये सेट है तो ये किसी भी लिए यहाँ पे सबसेट्स, ओके, किसी भी सेट के लिए फाइव इज अ सबसेट, ओके, तो यहाँ पे इसका एक ऑब्वियस सबसेट फाइव, सेट इटसेल्फ दैट मीन्स ये ए ये इम्प्रॉपर सेट्स तो आएंगे ही, ओके, और यहाँ पे एक चीज, किसने कितने एलिमेंट है इस सेट में, तो दो, यहाँ पे इस सेट में दो एलिमेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे इसके नंबर ऑफ सब पॉसिबल सबसेट दैट इज टू रेस टू एन, यहाँ पे एन ऑफ दिस सेट देयर इज टू है, टू रेस टू टू फोर होने चाहिए, ये दो तो लिखे फाइव सेट इटसेल्फ और इसमें से यस ए एंड बी, दिस आर ऑल सबसेट्स, ओके। नाउ यहाँ पे फाइव, फाइव इटसेल्फ इज अ सेट, ओके, यहाँ पे उसके लिए आजू बाजू में ब्रेसेस करने की जरूरत नहीं है, ओके, तो यहाँ पे एक चीज हम लिखेंगे, और दूसरा इसमें मैं खुद से एक वेरिएशन दिखाता हूँ, यहाँ पे फाइव है, सो ये फाइव दैट इज नथिंग बट इट्स अ एम्प्टी सेट, यस, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, तो जीरो, दैट मीन्स फॉर दिस सेट एन इज इक्वल टू जीरो, टू रेस टू जीरो दैट इज अ वन, इसमें एक ही एलिमेंट है, दैट मीन्स यही दैट इज अ सबसेट, यस, फाइव इज अ सबसेट ऑफ फाइव इटसेल्फ, सो ओनली फाइव, यस, इसमें ना एक स्लाइड चेंज कर रहा हूं, ये मैं एडिशनल लिख रहा हूं, यस, यू कैन राइट लाइक दिस, यस, सबसेट्स ऑफ दिस सेट, तो यहां पे फाइव विल वर्क एज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, तो यहां पे इस सेट में कितने एलिमेंट है, वन, तो इस सेट के दो सबसेट होने चाहिए, फाइव और सेट इटसेल्फ, सो यहां पे सबसेट्स, यस, फाइव और यस सेट खुद और फाइव इसका सबसेट, इस तरह से, जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज, ये सारी चीजें इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमको बेसिकली यही चीज याद रखनी है, अगर फाइव लिख रहे हैं तो ये वो इस काइंड ऑफ सेट, यहाँ पे सेट का हम नोटेशन नहीं कर रहे, बट इन एम्प्टी सेट का नोटेशन है, इट इज इट कंटेन्स नो एलिमेंट्स, नो एलिमेंट्स यानी एन इज इक्वल्स टू जीरो, टू रेस टू जीरो इज इक्वल्स टू वन, दैट मीन्स एक ही सबसेट होगा वो इटसेल्फ फाइव, यहाँ पे ये जो लिख रहा हूं यहाँ पे मैं फाइव नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे फाइव एज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट लिख रहा हूँ, ये चीज नहीं होता तो ये फाइव होगा, एम्प्टी सेट है, लेकिन ये एम्प्टी सेट नहीं है, इस सेट में एक एलिमेंट है जो है फाइव, ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू वन, दैट इज एन इज इक्वल्स टू वन, तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट दैट इज अ टू रेस टू वन, सो टू होने चाहिए, तो फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाइव इज अ सबसेट ऑफ दिस एवरी सेट, और सेट इट्स ये दो बनेंगे और कोई बनेंगे नहीं, सो ये जो मैंने मेरे हिसाब से लिखा है वो देख लेना है, क्योंकि ये आपको मैं क्लियर करवा पाऊं, ये चीज और दिस टू चीज, दिस टू थिंग्स आर डिफरेंट, ये खुद सेट है, इसमें सेट का एलिमेंट एक सेट है, जो अगर हम थ्री फोर वन जो सेट में लिखे थे उस तरह से ये एलिमेंट है वो हमको कंसिडर करना है, ओके। नाउ हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए इफ ए इज इक्वल्स टू फाइव, यहाँ पे पी ऑफ ए दैट मीन्स पावर सेट ऑफ सेट ए, ए के पावर सेट यानी पावर सेट ऑफ ए दैट मीन्स द सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए, तो यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू फाइव, यहाँ पे उसका सबसेट कितना है फाइव, ए की है, तो यहाँ पे ये चीज हियर ए इज इक्वल्स टू फाइव है, दैट मीन्स ये एम्प्टी सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू जीरो, सो देयरफॉर नाउ वी नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू टू रेस टू एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं जीरो, तो यहाँ पे टू रेस टू जीरो इज इक्वल्स टू वन, ये जो हमने लिखा है वो आपको याद भी रखना है, अगर किसी फाइनल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है तो उस सेट के पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू रेस टू एन उस हिसाब से है, यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू फाइव, ए एम्प्टी सेट बोला गया है हमको, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट एम्प्टी सेट यानी इट कंटेन्स नो एलिमेंट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू जीरो, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू टू रेस टू एन,
where n is the number of elements in set A. वो चीज़ हमको लिखनी है, उसको सब सारी चीज़ हमको करनी है. ओके यस, ये दो चीजें तो जैसे आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, आगे भी दिखा है वापस हम लिख रहे हैं. राइट द फॉलोइंग एज एन इंटरवल. यस, जो इंटरवल एज एन सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट R, उसका ये चीज है. यस, हियर सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड माइनस फोर लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 6. दैट मीन्स ये इस सेट में सारी रियल वैल्यूज जो जिसकी वैल्यू माइनस फोर से ज्यादा और 6 या 6 से कम होगी, वो सारी रियल नंबर की वैल्यूज, दैट इज ये इंटरवल कहा जाएगा. ये इंटरवल का सेट बिल्डर फॉर्म है. तो यस, यहाँ पे हमको पता है यस लेस देन यानी ये ओपन इंटरवल, लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्लोज है. तो वी कैन राइट माइनस फोर और क्लोज 6, इस तरह से ये चीज होगी. सेम में यहाँ पे ये सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू R 3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 4. यहाँ पे वो सारे x की वैल्यू लिखनी है जो रियल नंबर है और जिसकी वैल्यू 3 या 3 से बड़ी या 4 है एंड 4 और 4 से छोटी है. दैट मींस इसमें लेस देन इक्वल्स टू लेस दोनों में इक्वलिटी है तो ये क्लोज इंटरवल है. ये क्लोज इंटरवल 3 4, इस तरह से ये चीज हम लिख पाएंगे. ओके, नाउ इसका कन्वर्स है. राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म. यहाँ पे फर्स्ट है या इट्स ओपन इंटरवल यानी कि माइनस थ्री और जीरो के बीच में ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग माइनस थ्री एंड जीरो. ओके, यहाँ पे ये ओपन है यानी कि हमको इक्वालिटी नहीं आनी चाहिए, क्लोज होगी तो इक्वालिटी आएगी. तो यहाँ पे ये चीज हम इस तरह से लिख पाएंगे एक्स ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड माइनस थ्री लेस देन एक्स लेस देन जीरो. ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म जो यहाँ से इस तरह से यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ये उल्टा कन्वर्जन है. सेम में यहाँ पे 6 12 ओपन है क्लोज है, यहाँ पे ये लेस देन आएगा और ये लेस देन इक्वल्स टू आएगा, इस तरह से आएगा बिकॉज क्लोज है यानी इक्वालिटी आएगी, ओपन है तो सिर्फ इन इक्वालिटी आएगी. ओके ना, तो यहाँ पे इट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड 6 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 12. ठीक है, सो 1.3 के जो मेजर चीजें वो मैंने आपको दिखा दी है. आपको 1.3 के इसके अलावा जो भी बाकी एग्जांपल रहते हैं वो आपको सबको करके दिखाना है. इजी है, जो दिखाया उसके बेस पे ही है. यस, एक यूनिवर्सल सेट का होगा लेकिन वो मैंने आपको समझाया है, वो आप कर पाओगे. स्टिल यू फाइंड एनी डिफिकल्टी आप मुझे पूछ सकते हो. नेक्स्ट ऑनवर्ड हम सेट में आगे बढ़ेंगे. दैट मीन्स वेन डायग्राम वो चीज देंगे. यू मस्ट बी फेमिलियर विद दैट थिंग ऑल्सो. वेन डायग्राम का कंसेप्ट देख के हम सेट ऑपरेशन देखेंगे. यूनियन इंटरसेक्शन और कुछ नए हमको इंट्रोड्यूस करने हैं इस ईयर में, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट देखेंगे. ठीक है, आज का लेक्चर में यहीं पे फिनिश करता हूँ.